मेरे साथ जुड़ रहे कैबिनेट के मेरे सभी साथी, टॉय इंडस्ट्री से जुड़े सभी प्रतिनिधिगण, सभी कारीगर भाई बहन, पेरेंट्स, टीचर्स और प्यारे बच्चों, ये पहला टॉय फेयर केवल एक व्यापारिक या आर्थिक कार्यक्रम भर नहीं है। ये कार्यक्रम देश की सदियों पुरानी खेल और उल्लास की संस्कृति को मजबूत करने की एक कड़ी है। मुझे बताया गया है कि इस कार्यक्रम की प्रदर्शनी में कारीगरों और स्कूलों से लेकर बहुराष्ट्रीय कंपनियां तक 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 1000 से अधिक एग्जीबिटर्स हिस्सा ले रहे हैं। आप सभी के लिए एक ऐसा मंच होने जा रहा है जहां आप खिलौनों के डिजाइन, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी से लेकर मार्केटिंग, पैकेजिंग तक चर्चा परिचर्चा भी करेंगे और अपने अनुभव साझा भी करेंगे। टॉय फेयर 2021 में आपके पास भारत में ऑनलाइन गेमिंग उद्योग और ई स्पोर्ट्स उद्योग के इकोसिस्टम के बारे में जानने का अवसर होगा। मुझे ये देखकर भी अच्छा लगा कि यहां पर बच्चों के लिए ढेरों गतिविधियां भी रखी गई हैं। मैं टॉय फेयर के इस आयोजन में अपनी भूमिका निभाने वाले सभी साथियों को हार्दिक बधाई देता हूं। साथियों, खिलौनों के साथ भारत का रचनात्मक रिश्ता, क्रिएटिव रिलेशन उतना ही पुराना है जितना इस भूभाग का इतिहास है। सिंधु घाटी सभ्यता, मोहनजोदड़ो और हड़प्पे के दौर के खिलौनों पर पूरी दुनिया ने रिसर्च की है। प्राचीन काल में दुनिया के यात्री जब भारत आते थे, वो भारत में खेलों को सीखते भी थे और अपने साथ खेल लेकर भी जाते थे। आज जो शतरंज दुनिया में इतना लोकप्रिय है, वो पहले चतुरंग या चादुरंगा के रूप में भारत में खेला जाता था। आधुनिक लूडो तब 25 के रूप में खेला जाता था। हमारे धर्म ग्रंथों में भी आप देखिए, बाल राम के लिए अलग अलग कितने ही खिलौनों का वर्णन मिलता है। गोकुल में गोपाल कृष्ण घर के बाहर अपने मित्रों के साथ कंदुक यानी बॉल से खेलने जाते थे। हमारे प्राचीन मंदिरों में भी खेलों के, खिलौनों के शिल्प को उकेरा गया है। खास करके तमिलनाडु में, चेन्नई में अगर आप वहां मंदिरों को में देखेंगे तो ऐसे कितने ही उदाहरण देखने को मिलेंगे कि मंदिरों में भी अलग अलग खेल, अलग अलग खिलौने, वो सारी चीजें वहां आज भी दीवारों पर दिखती हैं। साथियों, किसी भी संस्कृति में जब खेल और खिलौने आस्था के केंद्रों का हिस्सा बन जाएं, तो इसका अर्थ है कि वो समाज खेलों के विज्ञान को गहराई से समझता था। हमारे यहां खिलौने ऐसे बनाए जाते थे जो बच्चों के चहुमुखी विकास में योगदान दे, उनमें एनालिटिकल माइंड विकसित करें। आज भी भारतीय खिलौने आधुनिक फैंसी खिलौनों की तुलना में कहीं सरल और सस्ते होते हैं।
सामाजिक भौगोलिक परिवेश से जुड़े भी होते हैं। साथियों, रीयूज और रिसाइकलिंग जिस तरह भारतीय जीवन शैली का हिस्सा रहे हैं, वही हमारे खिलौनों में भी दिखता है। ज्यादातर भारतीय खिलौने प्राकृतिक और इको फ्रेंडली चीजों से बनाते हैं। उनमें इस्तेमाल होने वाले रंग भी प्राकृतिक और सुरक्षित होते हैं। अभी हम वाराणसी के लोगों से बात कर रहे थे, वाराणसी के लकड़ी के खिलौने और गुड़िया को देखिए, राजस्थान के मिट्टी के खिलौने देखिए, ऐसे ही पूर्वी मेदिनीपुर की गलर गुड़िया है, कच्छ के कपड़ा डिंगला और डिंगली है, आंध्र प्रदेश के इटीकोपक बोम्मलू और बुधनी के लकड़ी के खिलौने हैं, कर्नाटक जाएंगे तो वहां के चन्नपटना खिलौने अभी जो हमसे देख रहे थे, तेलंगाना के निर्मल खिलौने, चित्रकूट के लकड़ी के खिलौने, धुबरी असम के टेराकोटा के खिलौने, ये सब खिलौने अपने आप में कितने डाइवर्स हैं, कितनी अलग अलग खूबियों से भरे हैं, लेकिन सब में एक समानता है कि सभी खिलौने इको फ्रेंडली और क्रिएटिव है। ये खिलौने देश के युवा मन को हमारे इतिहास और संस्कृति से भी जोड़ते हैं और सामाजिक मानसिक विकास में भी सहायक होते हैं। इसलिए आज मैं देश के टॉय मैन्युफैक्चरर्स से भी अपील करना चाहूंगा कि आप ऐसे खिलौने बनाएं जो इकोलॉजी और साइकोलॉजी दोनों के लिए ही बेहतर हो। क्या हम ये प्रयास कर सकते हैं कि खिलौनों में कम से कम प्लास्टिक इस्तेमाल करें, ऐसी चीजों का इस्तेमाल करें जिन्हें रिसाइकल कर सकते हैं? साथियों, आज दुनिया में हर क्षेत्र में भारतीय दृष्टिकोण और भारतीय विचारों की बात हो रही है। भारत के पास दुनिया को देने के लिए एक यूनिक पर्सपेक्टिव भी है। ये हमारी परंपराओं में, हमारे परिधानों में, हमारे खानपान में, हर जगह ये विविधताएं एक ताकत के रूप में नजर आती हैं। इसी तरह भारतीय टॉय इंडस्ट्री भी इस यूनिक इंडियन पर्सपेक्टिव को, भारतीय विचार बोध को प्रोत्साहित कर सकती है। हमारे यहां खिलौने तो पीढ़ियों की विरासत के तौर पर रखे और सहजे जाते रहे हैं। दादी नानी के खिलौने परिवार के तीसरी चौथी पीढ़ी तक को दिए जाते थे। त्योहारों पर परिवार के लोग अपने खिलौने निकालते थे और अपने पारंपरिक संग्रह को एक दूसरे को दिखाते भी थे। जब हमारे खिलौने इसी इंडियन एस्थेटिक से सजे होंगे तो इंडियन थॉट्स, भारतीयता की भावना भी बच्चों के अंदर और मजबूती से विकसित होगी, उसमें इस मिट्टी की महक होगी। प्यारे बच्चों और साथियों, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी कविता में कहा है कि व्हेन आई ब्रिंग टू यू कलर्ड टॉयज माय चाइल्ड, आई अंडरस्टैंड व्हाई देयर इज सच ए प्ले ऑफ कलर्स ऑन क्लाउड्स ऑन वॉटर एंड व्हाई फ्लावर्स आर पेंटेड इन टिन्स व्हेन आई गिव कलर्ड टॉयज टू यू माय चाइल्ड। यानी एक खिलौना बच्चों को खुशियों की अनंत दुनिया में ले जाता है। खिलौना का एक एक रंग बच्चों के जीवन में कितने ही रंग बिखेरता है। आज यहां
इतने खिलौनों को देखकर यहां उपस्थित बच्चे जैसा महसूस कर रहे हैं वही अनुभव हम सबने भी अपने बचपन की यादों में संजोकर रखा है। कागज के हवाई जहाज, लट्टू, कंचे, पतंग, सीटियां, झूले, कागज के घूमने वाले पंखे, गुड्डे और गुड़ियां, ऐसे कितने ही खिलौने हर बचपन के साथी रहे। साइंस के कितने ही सिद्धांत, कितनी ही बातें, जैसे कि रोटेशन, ऑसिलेशन, प्रेशर, फ्रिक्शन, ये सब हम खिलौनों से खेलते हुए, उन्हें बनाते हुए खुद ब खुद सीख जाते थे। भारतीय खेल और खिलौनों की ये खूबी रही है कि उनमें ज्ञान होता है, विज्ञान भी होता है, मनोरंजन होता है और मनोविज्ञान भी होता है। उदाहरण के तौर पर लट्टू को ही ले लीजिए। जब बच्चे लट्टू से खेलना सीखते हैं तो लट्टू खेल खेल में ही उन्हें ग्रेविटी और बैलेंस का पाठ पढ़ा जाता है। वैसे ही गुलेल से खेलता बच्चा जाने अनजाने में पोटेंशियल से काइनेटिक एनर्जी के बारे में बेसिक सीखने लगता है। पजल टॉय से रणनीतिक सोच और समस्या को सुलझाने की सोच विकसित होती है। इसी तरह नवजात बच्चे भी जुनजुने और बाजे घुमा घुमाकर सर्कुलर मूवमेंट को महसूस करने लगते हैं। आगे जाकर इन्हीं चीजों को जब उन्हें उनकी कक्षा में, किताबों में पढ़ाया जाता है तो अपने खेल से उसे रिलेट कर पाते हैं, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को समझ पाते हैं। केवल किताबी ज्ञान से ये समझ नहीं, समझ विकसित ही नहीं हो सकती है। साथियों, आप सबने भी देखा होगा कि रचनात्मक खिलौने कैसे बच्चों के सेंसेस को डेवलप करते हैं, उनकी कल्पनाओं को पंख देते हैं। अपने खिलौनों के इर्द गिर्द बच्चे कैसे अपनी कल्पनाओं का एक पूरा संसार बना लेते हैं। जैसे कि आप किसी बच्चे को खिलौनों वाले बर्तन दीजिए, वो ऐसे व्यवहार करना लगेगा जैसे कि पूरे किचन की व्यवस्था संभाल रहा है और पूरी परिवार को वही आज खाना खिलाने वाला है। उन्हें आप जानवरों वाले खिलौने दीजिए तो अपने मन में एक पूरा जंगल बना देता है, खुद भी आवाज निकालने लगता है, जो भी ठीक लगे उसको लगता है कि ये शेर है तो ऐसी आवाज निकालता है। उन्हें एक टेलीस्कोप दे दीजिए, थोड़ी देर में देख लीजिए वो डॉक्टर बन जाएगा, फैमिली डॉक्टर बन जाएगा और पूरे परिवार के सबकी तबियत जांचना शुरू कर देता है, जांच पड़ताल करना लग जाता है। ऐसे ही केवल एक बॉल से वो घर के भीतर पूरा फुटबॉल ग्राउंड बना लेते हैं। रॉकेट का खिलौना मिलते ही स्पेस मिशन पर वो निकल पड़ते हैं। उनके सपनों की उस उड़ान की कोई सीमा नहीं होती, कोई अंत नहीं होता, बस उन्हें एक छोटा सा ऐसा खिलौना चाहिए जो उनकी उत्सुकता को, उनकी क्रिएटिविटी को जगा दे। अच्छे खिलौनों की यह खूबसूरती होती है कि वो एजलेस और टाइमलेस होते हैं। आप भी जब बच्चों के साथ खेलने लगते हैं तो इन खिलौनों के जरिए अपने बचपन में चले जाते हैं। इसलिए मैं सभी माता पिता से ये अपील करूंगा कि आप जिस तरह बच्चों के साथ पढ़ाई में इन्वॉल्व होते हैं वैसे ही उनके खेलों में भी शामिल होइए। मैं नहीं कह रहा कि आप अपने घर का, अपने ऑफिस का सब काम छोड़ दें और घंटों बच्चों के साथ खेलते ही रहे, लेकिन आप उनके खेलों में शामिल तो हो ही सकते हैं।
आजकल परिवारों में प्ले टाइम की जगह स्क्रीन टाइम ने ले ली है, लेकिन आपको खेल और खिलौनों की भूमिका को जरूर समझना चाहिए। खिलौनों का जो वैज्ञानिक पक्ष है, बच्चों के विकास में, उनकी लर्निंग में खिलौनों की जो भूमिका है, उसे पेरेंट्स को भी समझना चाहिए और टीचर्स को स्कूलों में भी उसे प्रयोग करना चाहिए। इस दिशा में अब देश भी प्रभावी कदम उठा रहा है, व्यवस्था में जरूरी परिवर्तन कर रहा है। इसका एक उदाहरण हमारी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्ले आधारित और गतिविधि आधारित शिक्षा को बड़े पैमाने पर शामिल किया गया है। एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था है जिसमें बच्चों में पहेलियों और खेलों के माध्यम से तार्किक और रचनात्मक सोच बढ़े, इस पर विशेष ध्यान दिया गया है। साथियों, खिलौनों के क्षेत्र में भारत के पास ट्रेडिशन भी है और टेक्नोलॉजी भी है। भारत के पास कंसेप्ट भी है और कॉम्पिटेंस भी है। हम दुनिया को इको फ्रेंडली टॉयज की ओर वापस लेकर जा सकते हैं। हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स कंप्यूटर गेम्स के जरिए भारत की कहानियों को, भारत की जो मूलभूत मूल्य हैं, उन कथाओं को दुनिया तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन इस सब के बावजूद 100 बिलियन डॉलर के वैश्विक खिलौना बाजार में आज हमारी हिस्सेदारी बहुत ही कम है। देश में 85% 85% खिलौने बाहर से आते हैं, विदेशों से मंगाए जाते हैं। पिछले 7 दशकों में भारतीय कारीगरों की, भारतीय विरासत की जो उपेक्षा हुई, उसका परिणाम यह है कि भारत के बाजार से लेकर परिवार तक में विदेशी खिलौने भर गए हैं। और वो खिलौना सिर्फ नहीं आया है, एक विचार प्रवाह हमारे घर में घुस गया है। भारतीय बच्चे अपने देश के वीरों, हमारे नायकों से ज्यादा बाहर के स्टार्स के बारे में बात करने लगे। इस बाढ़ ने, ये बाहरी बाढ़ ने हमारे लोकल व्यापार की बड़ी मजबूत चेन भी तोड़ के रख दी है, तहस नहस कर दी है। कारीगर अपनी अगली पीढ़ी को अपना हुनर देने से बचने लगे हैं। वो सोचते हैं कि बेटे इस कारोबार में ना आए। आज हमें इस स्थिति को बदलने के लिए मिलकर काम करना है। हमें खेल और खिलौनों के क्षेत्र में भी देश को आत्मनिर्भर बनाना है, वोकल फॉर लोकल होना है। इसके लिए हमें आज की जरूरतों को समझना होगा। हमें दुनिया के बाजार को, दुनिया की प्राथमिकताओं को जानना होगा। हमारे खिलौनों में बच्चों के लिए हमारे मूल्य, संस्कार और शिक्षाएं भी होनी चाहिए और उनकी गुणवत्ता भी अंतर्राष्ट्रीय मानकों के हिसाब से होनी चाहिए। इस दिशा में देश ने कई अहम फैसले लिए हैं। पिछले वर्ष से खिलौनों की क्वालिटी टेस्ट को अनिवार्य किया गया है। इंपोर्ट होने वाले खिलौनों की हर खेप में भी सैंपल टेस्टिंग की इजाजत दी गई है। पहले खिलौनों के बारे में सरकारें बात करने की भी जरूरत नहीं समझती थी, इसे कोई गंभीर विषय नहीं समझा जाता था। लेकिन अब देश ने खिलौना उद्योग को 24 प्रमुख क्षेत्रों में दर्ज किया है, उसका दर्जा दे दिया है। नेशनल टॉय एक्शन प्लान भी तैयार किया गया है। इसमें
15 मंत्रालयों और विभागों को शामिल किया गया है ताकि ये उद्योग कॉम्पिटिटिव बने, देश खिलौनों में आत्मनिर्भर बने और भारत के खिलौने दुनिया में भी जाएं। इस पूरे अभियान में राज्यों को बराबर का भागीदार बनाकर टॉय क्लस्टर विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ ही देश टॉय टूरिज्म की संभावनाओं को भी मजबूत कर रहा है। भारतीय खेलों पर आधारित खिलौनों को प्रमोट करने के लिए देश में टॉयकाथोन 2021 का आयोजन भी किया गया था। मुझे बताया गया है कि इस टॉयकाथोन में 12 लाख से अधिक युवाओं ने, शिक्षकों ने और विशेषज्ञों ने रजिस्ट्रेशन कराया और 7000 से अधिक नए नए आइडियाज आए। ये दिखाता है कि दशकों की उपेक्षा और कठिनाइयों के बावजूद भारत की प्रतिभा, भारत का हुनर आज भी असाधारण संभावनाओं से भरा हुआ है। जिस तरह भारत ने अतीत में अपने उल्लास से, अपनी ऊर्जा से मानवता के जीवन में रंग घोले थे, वो ऊर्जा आज भी उतनी ही जीवंत है। आज टॉय फेयर के इस अवसर पर हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम इस ऊर्जा को आधुनिक अवतार दें, इन संभावनाओं को साकार करें। और हां, याद रखिए, अगर आज मेड इन इंडिया की डिमांड है तो आज हैंड मेड इन इंडिया की डिमांड भी उतनी ही बढ़ रही है। आज लोग खिलौनों को केवल एक प्रोडक्ट के रूप में ही नहीं बल्कि उस खिलौने से जुड़े अनुभव से भी जुड़ना चाहते हैं। इसलिए हैंड मेड इन इंडिया को भी प्रमोट करना है। हमें यह भी याद रखना है कि जब हम कोई खिलौना बनाते हैं तो हम एक बाल मन को घड़ते हैं, बचपन के असीम उल्लास को घड़ते हैं, उसमें सपने भरते हैं। यही उल्लास हमारे कल का निर्माण करेगा। मुझे खुशी है कि आज हमारा देश इस जिम्मेदारी को समझ रहा है। हमारे ये प्रयास आत्मनिर्भर भारत को वही स्फूर्ति देंगे जो स्फूर्ति बचपन में एक नई दुनिया रचती है। इसी विश्वास के साथ आप सभी को एक बार फिर से अनेक अनेक शुभकामनाएं। और अब दुनिया में हिंदुस्तान के खिलौनों का डंका बजाना ये हम सबका दायित्व है। हमें मिलकर का प्रयास करना है, निरंतर प्रयास करना है, नए नए रंग रूप के साथ प्रयास करना है, नई नई सोच, नए नए विज्ञान, नए नए टेक्नोलॉजी हमारे खिलौनों के साथ जोड़ते हुए करना है। और मुझे विश्वास है कि ये हमारा टॉय फेयर हमें उस दिशा में ले जाने के लिए एक बहुत मजबूत कदम के रूप में सिद्ध होगा। मैं फिर एक बार आप सबको अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।